Good evening, everyone. My name is Ankit, and today we will talk about a session. Today we are organizing a session on farmers' protest. So, अभी recently farmers' protest को internationally काफी recognition मिला है. International personalities like Greta Thunberg, Rihanna, and even other eminent personalities have showed solidarity. In the farmers protest towards farmer. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड हमारे साथ है आज डॉक्टर संदीप पांडे. डॉक्टर संदीप पांडे एक डॉक्टर संदीप पांडे इज अ रेमोन मैगसेसे अवार्डी एंड ये सामाजिक कार्य और एनवायरमेंट के लिए काफी काफी ज्यादा कार्य कर रहे हैं. तो डॉक्टर संदीप पांडे ओवर टू यू. हाँ अंकित, थैंक यू. और बॉबी को भी धन्यवाद कि आप लोग लगातार सत्याग्रह के सेशन चला रहे हैं. मुझे लगता है 1 महीने से ऊपर हो गया है और बीच में शायद कुछ 1-2 दिन शायद कोई गैप हुआ, नहीं तो ये लगातार चल ही रहा है. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के समर्थन में जो कुछ भी किया जाए वो बहुत जरूरी है. और आज का मैंने ये सोचा कि हम इस पे बात रखें कि ग्रेटा थुनबर्ग, रिहाना, मीना हैरिस वगैरह ने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया. ऐसा होता ही है कि भाई कोई आंदोलन चल रहा है. अब देखिए म्यांमार में जो है तख्ता पलट हो गया है, सेना ने वहां पे जो निर्वाचित सरकार थी उसको हटा दिया है, तो जाहिर है कि लोग उसके बारे में बोलेंगे. और बॉबी जो है कल एक सेशन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें साउथ एशिया के कई देशों के लोग उस पर अपनी बात रखेंगे. तो ये जो है मुद्दा, ये किसी का आंतरिक मामला नहीं होता है. कि अगर कहीं पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो इस पे बोलने का अधिकार सबको होता है. और ये उसी तरह से है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है. जस्ट एज अ वायलेंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ होम, यू नो, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट समबडीज प्राइवेट मैटर. The husband cannot say that I am beating my wife and it is a private matter and nobody has a right to interfere. There is a law which protects the right of, you know, any woman who is getting beaten, who is facing violence inside home, and there's a recourse to justice. She can file a case and pursue a legal case against her husband. In a similar manner, if some human rights violations is going on in a country and there is a law to protect citizens against any human rights violations, and if the government is not doing enough to ensure the human rights of its citizens, then of course people can object. At the international level, there are bodies like the United Nations Human Rights Commission and individuals who are social activists and even otherwise, you know, can definitely raise the issue of human rights violations in any country. And that is what has happened. भारत में किसान आंदोलन को चलते हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और नागरिकों का अधिकार है प्रोटेस्ट करना. इस बात को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. ये कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है. तो सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी के पहले जो आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्वक,
26 जनवरी को कुछ घटना हुई जिसको सरकार कह रही है बहुत बड़ी हिंसा हो गई। बहुत बड़ी हिंसा क्या हुई हमें नहीं मालूम। एक आदमी मरा, वो भी किसान था, वो कोई सरकार का आदमी नहीं था। पुलिस वाले घायल जरूर हुए। लाल किले पे कुछ तोड़फोड़ हुई, पुलिस के वाहन जलाए गए और किसी ने जाके निशान साहिब का झंडा, जो एक धार्मिक झंडा है, उसको वहां पे लगा दिया लाल किले पे। लेकिन वो झंडा जहां लगाया गया, अगर आप तस्वीरें देखें तो भारत का तिरंगा लहरा रहा है और उसके नीचे बगल में और नीचे वो झंडा लगाया गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि तिरंगे का अपमान हुआ, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, राष्ट्रपति ने भी कहा। तिरंगे का अपमान हुए बिना वो निशान साहब का झंडा लगाया गया, वो एक धार्मिक झंडा है और धार्मिक झंडा लोग लगा सकते हैं, सभी धर्मों के लोग लगाते हैं। आप मुस्लिम इलाकों में जाएंगे, आपको हरे झंडे फैरते हुए दिखाई पड़ेंगे, उनके धार्मिक झंडे। और कई लोग उसको गलती से मान लेते हैं पाकिस्तान का झंडा। ये लोगों को बहुत इस बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि कोई भी हरा झंडा पाकिस्तान का झंडा नहीं होता है, वो इस्लाम धर्म का प्रतीक होता है। उसी तरह से हिंदू धर्म वाले अपना भगवा झंडा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद थे, और सबको मालूम है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसके बाद बावजूद गोरखपुर की सीमाओं पे बोर्ड लगाए गए थे कि हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। आप बताइए कि एक लोकतंत्र के अंदर, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर, क्या कोई अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है कोई इलाका? तो सबको अपना झंडा प्यारा होता है, सब लोग अपनी अपनी अपना चाहते हैं कि उनके झंडे को महत्व मिले। इस आदमी ने जाके वहां पे निशान साहिब का झंडा लगाया, वो खालिस्तान का झंडा नहीं था। तो ये दुष्प्रचार हुआ कि ये जो है झंडा लगाना गलत था और ये तिरंगे का अपमान था, इस तरह की बातें हुई। सबसे पहली बात तो लाल किला कोई हमारा राष्ट्रीय प्रतीक नहीं हो सकता, लोकतंत्र का प्रतीक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक राजशाही का प्रतीक है। लोकतंत्र का प्रतीक संसद हो सकता है, राष्ट्रपति भवन हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है, लेकिन लाल किले को इतना महत्व देना लोकतंत्र के अंदर, ये समझ से परे है। और खास करके तब जबकि लाल किले को सरकार ने भरत डालमिया को दे दिया है देखरेख के लिए 25 साल के लिए, करोड़ों रुपए में लाल किले को एक तरीके से उन्होंने डालमिया साहब को लीज पे दे दिया है कि वो अब उसकी देखरेख करेंगे। तो वो तो वैसे भी अब एक तरीके से भारत सरकार के अधीन नहीं है। तो जिस संपत्ति की जिम्मेदारी डालमिया की है, उस पे इतना हलहो हल्ला क्यों हो रहा है, ये बात समझ से परे है। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री वहां 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, वो साल में एक दिन जाते हैं, वो एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम होता है, इसलिए उसको जो है कोई अपनी राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ना ये ठीक नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात मैं आज करना चाहता हूँ, ये बातें तो हमारे एक लेख में भी है, जो कल लेख छपा है इंडियन एक्सप्रेस के ऑनलाइन एडिशन में। लेकिन जो बात मैं आज करना चाहता हूँ वो ये कि ग्रेटा थुनबर्ग, रिहाना और मीना हैरिस पे आपत्ति की गई कि ये हमारे राष्ट्रीय मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं। और मैंने कहा कि अगर कहीं पे कोई मानवाधिकार हनन हो रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपको वहां पे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। बल्कि भारत ने तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया, उसका हमने सिर्फ वो पहलू देखा जो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय और खास करके मुस्लिम औरतों ने उसका विरोध किया,
क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ था। जो मुस्लिम नागरिक हमारे अपनी नागरिकता नहीं सिद्ध कर पाएंगे, उनकी नागरिकता जाने का खतरा है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन आप मानिए कि अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और भारत ये कानून बना रहा है कि आपके देश के अल्पसंख्यक अगर चाहें तो वो भारत में जाके भारत की नागरिकता ले सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कल चीन ये कहे कि भारत में हिंदू धर्म को छोड़ के जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सबको चीन की नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो चीन जाना चाहे। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक जो हैं उनके उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, और नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत यही कहने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन सबके नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारत उनको नागरिकता देने को तैयार है। तो ये दूसरे देश के मामले में दखलंदाजी नहीं है तो क्या है? या 2015 में संविधान बना नेपाल का, नेपाल के मधेसी लोग जो भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार के रहने वाले लोगों के ज्यादा करीब हैं, उनको ये पसंद नहीं आया संविधान और भारत को भी पसंद नहीं आया, तो भारत ने नेपाल का इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया, आर्थिक नाकेबंदी की। जो सामान उत्तर प्रदेश बिहार के रास्तों से नेपाल में जाता था, नेपाल आपको मालूम है चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है, तो नेपाल में जो सामान भारत, जरूरी सामान जो भारत से जाता था उसको भारत ने रोका। हालांकि भारत ने ये कहा कि वो भारत नहीं रोक रहा है, वो जो नेपाल की सीमा के अंदर मधेसी लोग हैं वो रोक रहे हैं। लेकिन जो भी हो, भारत को मधेसी लोगों के आंदोलन का समर्थन तो था ही, और ये जो हमने नाकेबंदी की इससे नेपाल के लोग काफी नाराज हुए। नेपाल की सरकार ने चीन के साथ अपने संबंध उसके बाद ज्यादा मजबूत किए, क्योंकि नेपाल शायद ये समझ रहा था कि भारत उसके लिए दिक्कत खड़ा करेगा, इसलिए जो सामान भारत से आता है वो चीन के रास्ते लाया जाए, ऐसा ऐसा नेपाल ने तय किया और नेपाल ने चीन के लिए अपने रास्ते खोल दिए। तो भारत ने तो साफ, जो नेपाल का आंतरिक मामला है उसके संविधान को ही बदलने की कोशिश हम कर रहे थे, इससे ज्यादा किसी दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप क्या हो सकता है? जो नेपाल के साथ भूमि विवाद है वो तो आप छोड़ ही दीजिए, हमारा चीन और पाकिस्तान के साथ तो भूमि विवाद है ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेपाल के साथ भी हमारा भूमि विवाद हो गया। जबकि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते सबसे पहले उन्होंने अगर किसी विदेश की यात्रा की तो वो नेपाल था, क्योंकि उनको लगा कि ये छोटा सा देश है, हिंदू बहुल देश है, और ये तो भारत के साथ इसकी स्वाभाविक मैत्री होगी। लेकिन उस देश को भी वो संभाल नहीं पाए और उसके साथ भी भूमि विवाद भारत का हो गया। एक जमीन का टुकड़ा है जो नेपाल कहता है कि उसने भारत को चीन के साथ युद्ध हो रहा था उस समय इस्तेमाल करने के लिए दिया था, और अब भारत ने उस पर कब्जा कर लिया है। भारत उस भाग पे एक हाईवे बनाना चाहता है, कैलाश मानसरोवर का रास्ता वहां से निकालना चाहता है, तो नेपाल को इस पे आपत्ति है। नेपाल का कहना है कि वो नेपाल का हिस्सा है, वो मामला अभी सुलझा नहीं है। तो या हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए और वहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक सभा की, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की अब क्या उनकी साख बची है, वो पूरी तरह से बदनाम हो चुके हैं, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन लाया जा रहा है अमेरिका में, और इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के
के साथ उन्होंने सभा की और उस मीटिंग में उन्होंने ये कह दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति का वहां चुनाव प्रचार करने लगे, जबकि अभी वहां चुनाव काफी दूर था और शायद ट्रंप की अपेक्षा भी नहीं थी कि वो वहां जाके उनका प्रचार करेंगे, लेकिन हमारे मोदी साहब वहां जाके ट्रंप का प्रचार करने लगे। अब जो बिडन उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप तो आए थे ट्रंप का प्रचार करने, तो अब आप क्यों अपेक्षा करते हैं कि हम आपके साथ मैत्री करें। तो ये भारत का इतिहास रहा है और भारत इस तरह से जो उंगली उठा रहा है ग्रेटा थुनबर्ग और इनके ऊपर वो गलत है, क्योंकि ये एक किसानों के अधिकार का मामला है और जब कोई सरकार अपने ही नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो ये बिल्कुल बाहर के लोगों का अधिकार है कि वो मानवाधिकार पे बोले। पाकिस्तान में हिंदुओं के जो मानवाधिकार का हनन होता है तो भारत बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान में जो बलूची नागरिकों के मानवाधिकार का हनन होता है उसके ऊपर बोला है। ये बात दूसरी है कि चीन में जो मानवाधिकार हनन हो रहा है उइघर लोगों का, या हांगकांग में जो लोकतंत्र के आंदोलन को कुचला जा रहा है, या तिब्बत के लोगों का जो मानवाधिकार हनन हो रहा है, जो जिनके साथ भारत का इतना नजदीकी रिश्ता है कि तिब्बत की निर्वासित सरकार गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत के अंदर है, तिब्बत के प्रधानमंत्री भारत में रहते हैं, तिब्बत की पूरी संसद यहां से चलती है, लेकिन हम चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं कभी भी कि चीन तिब्बत के लोगों का और उइघर लोगों का और हांगकांग के लोगों के नागरिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो हम छोटे देशों को, नेपाल को, पाकिस्तान को, इनके मामलों में दखलंदाजी करते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और अमेरिका को खुश करने के लिए वहां के राष्ट्रपति का हम चुनाव प्रचार भी करने चले जाते हैं, लेकिन चीन जो मानवाधिकार हनन करता है, चीन चूंकि ताकतवर देश है, उसके खिलाफ हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो अगर कोई बाहर के लोग हिंदुस्तान में किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। मानवाधिकार के बारे में बोलने का सबको अधिकार है। अगर कहीं भी किसी के अधिकार का हनन हो रहा है और किसानों के अधिकारों का जिस तरह से हनन हो रहा है वो तो अब अपने देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने लगे। मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक साहब, जो पहले जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर रहे और समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, उन्होंने कहा है कि किसानों का अपमान किया जाना ठीक बात नहीं है और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो ये समस्या तुरंत सुलझाई जा सकती है। दिक्कत ये हो गई है कि ये सरकार, चाहे भारत की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये बहुत केंद्रीकृत ढंग से चल रही है, सेंट्रलाइज ढंग से चल रही है। सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो या तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है भारत के पैमाने पे, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। तो आप इन लोगों के से पूछे बिना कोई आप निर्णय ले नहीं सकते। तो भले ही नरेंद्र सिंह तोमर वार्ता कर रहे हो, पीयूष गोयल वार्ता कर रहे हो किसानों के साथ, लेकिन ये सबको मालूम है। किसी ने मजाक में कहा कि चलो किसान आंदोलन से कम ये तो पता लग गया कि भारत का कृषि मंत्री कौन है, नहीं तो लोग यही नहीं जानते थे कि भारत का कृषि मंत्री कौन है। तो मंत्रियों की जिस सरकार में कोई अहमियत ना हो, जहां पे सांसदों और विधायकों की कोई अहमियत ना हो, जहां प्रधानमंत्री सारे निर्णय लेता हो, या उनके जो नजदीकी साथी हैं अमित शाह, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो जेपी नड्डा जी बन गए हैं, लेकिन गृह मंत्री के रूप में अमित शाह अपना काम छोड़ के बिहार में जाके वो चुनाव प्रचार करते हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का होना चाहिए। नड्डा भी जाते हैं लेकिन अमित शाह ने उसको प्राथमिकता दी हुई है। तो अभी भी, या प्रधानमंत्री अभी गए आसाम में प्रचार के लिए,
तो ये जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, इसमें निर्णय सिर्फ नरेंद्र मोदी के स्तर पे हो सकता है। वो निर्णय लेना नहीं चाहते, वो पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। 26 जनवरी को तो जो हिंसा हुई वो बहुत कम थी, और आप देखिए कि कितनी मजेदार बात है कि ये सरकार चौरी चौरा का जो संघर्ष था उसमें उन लोगों को वो गौरवान्वित कर रही है जिन्होंने पुलिस थाने के साथ साथ 22 सिपाहियों को जलाया। आपको याद है गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, चौरी चौरा में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, पुलिस ने गोली चलाई, 3 लोग मरे। उसके जवाब में वहां की जनता ने इकट्ठा होके उस थाने में आग लगा दी, 22 पुलिस वाले मर गए। गांधी जी को इतना धक्का लगा इस घटना से कि उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया। यानी कि हम ये मानते हैं कि लोगों ने जो किया वो ठीक नहीं था। गांधी जी का रास्ता अहिंसा का था, भगत सिंह क्रांतिकारी थे, लेकिन भगत सिंह ने भी जो बम फेंका असेंबली में, उन्होंने कहा कि ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, ये बम सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए था। तो भगत सिंह भी हिंसा में नहीं मानते थे, अनावश्यक हिंसा में, और जब वो हिंसा हुई चौरी चौरा में तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया, और जिन लोगों ने जलाया था उन लोगों के खिलाफ मुकदमे चले, उनको फांसी की सजा हुई 17 लोगों को, और कई सारे लोग आजीवन जेल में रहे, सैकड़ों लोग, उनको मोदी सरकार गौरवान्वित कर रही है। ये एक तरीके से हिंसा को गौरवान्वित करने की बात है, और ये एक तरीके से ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि गांधी जी ने जो किया, आंदोलन को वापस लिया, वो ठीक नहीं था, या कांग्रेस की सरकारों ने जो इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित नहीं किया, वो उनके साथ भेदभाव था। ये ठीक है, उनकी भावना का सम्मान बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जो हिंसा की घटना थी उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अब साल भर चौरी चौरा का जो 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 सब जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है उसके उसमें शामिल लोगों को सम्मानित करने का, उससे वो साल भर अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करेंगे। तो ऐसे समय में जबकि किसान आंदोलन अपने जोरों पे है, किसान आंदोलन में जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ तो आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं यूएपीए में, और आप उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई की, और बहुत बड़ी हिंसा की कार्रवाई की थी। उस तरह की हिंसा किसानों ने नहीं की है 26 जनवरी को। जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक आदमी मरा है और वो भी किसान मरा है, कोई पुलिस वाला नहीं मरा है। लेकिन आप चौरी चौरा के क्रांतिकारियों को सही मानते हैं जिन्होंने पुलिस वालों को जलाया, और आप दिल्ली के किसानों को आप गलत मानते हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ तोड़फोड़ की, एक झंडा लगाया और कुछ पुलिस वालों के साथ जो जो मारपीट की घटना हुई उस हिंसा को आप गलत मानते हैं। और उसके बाद जो सरकार का रवैया रहा है, जिस तरह से सरकार जमीन में रास्ते में कीले लगा रही है, वहां कंक्रीट के अलावा मेटल के वहां लगा दिए गए हैं रोड ब्लॉकेट, और उसमें वो प्लास्टर पोर करके उसको जो है परमानेंट किया जा रहा है ताकि लोग उस बैरियर को पार न कर सकें, तरह तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, पानी की सप्लाई रोक दी गई, बिजली की सप्लाई रोक दी गई, तो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहादुर औरतें घड़ों में पानी लेके वहां पे आ गई। ये लोगों का जज्बा दिखाता है कि सरकार चाहे जितना डराने धमकाने की कोशिश करे, लेकिन किसान और उनके परिवार के लोग
और ये बात सही है कि इस आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं है, उसके पूरे उसका पूरा परिवार है, उनकी उनकी महिलाएं हैं, उनके उनके बच्चे हैं, वो सब वहां पे आके डेरा डाले हुए हैं अपने अपने ट्रैक्टरों में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में। उन्होंने अस्थाई वहां रहने की जगह बना ली है, वो सब वहां पे आंदोलन में शामिल हैं। तो इसमें आंदोलन में सरकार जो अब 26 जनवरी के बाद जो डराने धमकाने की उसने एक नीति अपनाई हुई है और लोगों के खिलाफ मुकदमे कर रही है, ट्रेनों को डाइवर्ट कर रही है ताकि किसान वहां पहुंच ना सके और सड़कों पे वाहन ना चल सके, इस तरह की जो जो भी कोशिशें सरकार द्वारा हो रही है ये निंदनीय है। और ऐसे समय में ग्रेटा थुनबर्ग और रिहाना और मीना हैरिस ने जो समर्थन दिया है ये बिल्कुल सही है और हम मानते हैं कि ये उनका अधिकार है और हमारा भी अधिकार है कि हमको ये समर्थन बाहर से मिले। अब ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में बात करें, ग्रेटा थुनबर्ग कौन है? ग्रेटा थुनबर्ग एक 17-18 साल की नवयुवती है स्वीडन की, जो जिसने 2 साल पहले एक क्लाइमेट जस्टिस पे एक आंदोलन शुरू किया और अपनी अपनी पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे अकेली बैठ गई। उसके बाद और बच्चे वहां शामिल हुए और फिर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम का एक ग्रुप बना जिसमें यह तय हुआ कि फ्राइडे को वो बच्चे अपनी कक्षाओं में नहीं जाएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। और कई देशों में यह आंदोलन फैल गया, कई जगह के नौजवान नवयुवती इस पूरे आंदोलन से जुड़ गए हैं जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ है। और इन बच्चों का ये कहना है कि हमारे नेता बहुत गैर जिम्मेदार हैं जो सही से नीतियां नहीं बना रहे हैं ताकि प्रदूषण पे रोक लग सके, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पे रोक लग सके। और ग्रेटा थुनबर्ग ने ये व्यक्तिगत फैसला लिया कि अब वो हवाई जहाज का सफर नहीं करेगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा फैसला है। यूरोप में अमेरिका में रहने वाले लोग तो हवाई जहाज ऐसे पकड़ते हैं जैसे हम और आप बस और ट्रेन पकड़ते हैं, तो उनके लिए हवाई जहाज की यात्रा को छोड़ देना एक एक बड़ा त्याग है। और वो जब अमेरिका भी जब उसको बुलाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने के लिए तो वो समुद्र के रास्ते गई। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग यूरोप के अंदर अब हवाई यात्राएं करनी उन्होंने बंद कर दी हैं, ये सारे लोग रेल से चल रहे हैं। हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है, रेल से चलने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो आपको ग्रेटा थुनबर्ग का इतना एक योगदान तो मानना ही पड़ेगा कि उसने लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति एक संवेदनशीलता जागृत की है और बहुत सारे लोग अपनी जीवन पद्धति को बदलने के लिए विचार कर रहे हैं। पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट देयर लाइफस्टाइल्स एंड आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल्स सो दैट दे लीव लेस कार्बन फुटप्रिंट, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू लेस कार्बन एमिशन। इतना तो आपको ग्रेटा को आपको एक श्रेय देना ही पड़ेगा। और वैसी ग्रेटा थुनबर्ग जब किसान आंदोलन के बारे में बोलती है तो आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, आप उसका माहौल उड़ाते हैं, आप उसके खिलाफ बोलते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि पिछले साल भी और इस साल भी नोबेल पुरस्कार के लिए उसको नामित किया गया है, यानी कि उसके योगदान को पूरी दुनिया मानने को तैयार है, लेकिन हम उस लड़की के खिलाफ हम बोल रहे हैं क्योंकि उसने हमारे किसानों के समर्थन में कुछ बोला। और उसके बाद उत्तराखंड की बड़ी घटना हो जाती है जहां पे दुर्घटना की वजह से नदी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अभी वो स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना क्या थी, वो कोई ग्लेशियर टूटा था या फिर वो पहाड़ पे जो बर्फ थी वो टूट के गिरी थी, लेकिन वहां पानी अचानक नदी में बढ़ गया और उससे कई सारे लोग जो है उसमें प्रभावित हुए, कुछ लोग मरे हैं, कई लोग घायल हुए हैं और 2 बिजली परियोजनाएं उससे प्रभावित हुई हैं, जिसमें एक है तपोवन विष्णुगढ़।
और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो हरिद्वार में अनशन कर रहे थे गंगा को बचाने के लिए 2018 में, और 112 दिनों के बाद जिनकी जान चली गई, वो ये मांग कर रहे थे कि गंगा के ऊपरी हिस्से में, यानी जब वो पहाड़ में है, तो उस पे जो भी बांध बन रहे हैं, भागीरथी पे, अलकनंदा पे, और जो अन्य भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनते हैं, और अलकनंदा में तीन और धाराएं मिलती हैं, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर, इन सब नदियों में एक धौली गंगा भी है। मुझे अभी एकदम ठीक से याद नहीं है वो कौन सी पांच या छह नदियां हैं जो मिलके गंगा बनती हैं, लेकिन इन सब नदियों पे जो हिमालय के हिस्से में है, गंगा के ऊपरी हिस्से में, उन पे कोई बांध ना बनाया जाए, ऐसी जेडी अग्रवाल साहब की मांग थी। और जब उनकी मृत्यु हुई, अनशन करते करते प्रधानमंत्री को चार चिट्ठियां लिखी, उनका कोई जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, लेकिन उनके मरने के बाद उनको एक कंडोलेंस मैसेज उनके लिए ट्वीट किया उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री उनके मरने का ही इंतजार कर रहे थे। और ये बहुत शर्म की बात है कि भारत की सरकार, जिसने गंगा का नाम जल संसाधन मंत्रालय में अलग से जोड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का नाम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन किया गया था मोदी सरकार के पहले टर्म में, और जीडी अग्रवाल के मरने के बाद वो पूरा नाम हटा के उसको जल शक्ति कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से संकेत दिया गया कि जीडी अग्रवाल जैसे लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी और जल से शक्ति का दोहन किया जाएगा, यानी बांध बनाए जाएंगे। और उन बांधों को रोकने की बात थी, वो नहीं मानी गई और जीडी अग्रवाल साहब चले गए। उसके बाद वहां पे ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद बैठे, और सरकार से जब बातचीत हुई तो मातृ सदन के जो प्रमुख हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती, उन्होंने जो तीन बांधों को रोकने की बात की थी, उन तीन में ये तपोवन विष्णु गार्ड एक बांध था। तो ये जो बांध जहां दुर्घटना हुई है, इसको रोकने की बात की जा रही थी और सरकार ने इसको नहीं माना, उस बांध पे काम जारी रहा, और आज आप देखिए क्या नतीजा है। ये कहा जा सकता है कि बांध नहीं भी होता तो भी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन 2013 में जो बाढ़ आई थी, जो ज्यादा भयावह थी, क्योंकि वो उत्तराखंड के बड़े हिस्से में आई थी, उसमें करीब 5,000 लोगों की जाने गई थी। इसमें तो अभी हाँ, ये प्रवीण जी बता रहे हैं कि जो फाइव हेड स्ट्रीम्स हैं, ये भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडर है। एक नंदाकिनी भी है प्रवीण जी, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं आती। मेरे ख्याल से नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडर, ये अलकनंदा में मिलती हैं, और फिर अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनती है, शायद ऐसा है। तो इसमें अगर कोई गलती हो तो आप इसको सुधार लीजिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2013 में जो बाढ़ आई थी, जो जिससे बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, 5,000 के करीब जाने गई, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में, ये अध्ययन करने के लिए कि नुकसान की वजह क्या थी। और नुकसान की वजह में रवि चोपड़ा ने एक निष्कर्ष ये निकाला था कि जहां जहां बांध बने हुए थे, वहां पे बांध के पहले और बांध के बाद तबाही ज्यादा हुई, यानी वो बांध अगर वहां न रहते तो शायद तबाही इतनी नहीं होती। ये बात रवि चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट में 2013 में आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई थी कि बांध के पहले और बांध के तुरंत बाद तबाही ज्यादा हुई 2013 की बाढ़। और अभी भी आप देखिए, दो पनबिजली परियोजनाएं बह गई और ज्यादा नुकसान वहीं पे हुआ है। तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की बात को न मानने का ये परिणाम है कि हम आज
ये जो मानव निर्मित एक तरीके से मैं कहूंगा दुर्घटना है, क्योंकि एक चीज और जिसका प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जिसकी आलोचना करते थे और सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी कमेटी जो बनाई गई उसके भी अध्यक्ष रवि चोपड़ा बनाए गए, जो चार धार्म परियोजना को का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ता हुआ एक हाईवे नेटवर्क 900 किलोमीटर लंबा। और देखिए सरकार कितनी चालाकी करती है कि अगर आप 100 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बनाते हैं तो आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है, यानी पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कराना पड़ता है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि 900 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क को ऐसे कई टुकड़ों में बांट दिया कि हर एक टुकड़ा 100 किलोमीटर से कम हो गया, और इसलिए जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जो जरूरत थी उसको उन्होंने टाल दिया, वो कराया ही नहीं। रवि चोपड़ा की कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसमें एक विवाद हो गया, और विवाद ये था कि उसके ज्यादा जो मेंबर थे वो सरकारी मेंबर थे, वो चार धाम परियोजना को सपोर्ट कर रहे थे, और रवि चोपड़ा और चार दूसरे लोग उन्होंने कहा कि इतनी चौड़ी सड़क वहां पे नहीं बननी चाहिए हिमालय के अंदर, क्योंकि जब आप पहाड़ को काटेंगे और ज्यादा काटेंगे तो पहाड़ अस्थिर होगा और फिर वहां भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी, यानी कि लैंडस्लाइड्स किसकी पॉसिबिलिटीज वहां पे ज्यादा होंगी अगर आप पहाड़ को काटेंगे। और जीडी अग्रवाल साहब से जब मैं मिला था हरिद्वार में, जब वो अनशन पे थे, तो उन्होंने एक बहुत रोचक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है कि नितिन गडकरी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर भी है और हाईवे मिनिस्टर भी है, यानी कि वो चार धाम परियोजना बनाने चाहते हैं जिससे नदी को नुकसान हो रहा है, तो वो नदी को बचाएंगे कैसे जबकि वो नदी के भी मंत्री हैं। तो ये कोई रवि चोपड़ा प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही इस कॉन्ट्रडिक्शन को देख सकता था, और उन्होंने कहा कि ये जो चार धाम परियोजना बनाई जा रही है ये गलत बनाई जा रही है। तो जो ये दुर्घटना हुई है ये इसी तरह के आधुनिक जो विकास के की परियोजनाएं हैं, चाहे वो बड़े बांध हो, चाहे वो चार धाम सड़क परियोजना है, इनकी वजह से वहां पे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ी है। अब ये तो कोई अध्ययन अगर हो, जैसे रवि चोपड़ा ने दो अध्ययन किए हैं पहले, तब इसका ठीक कारण पता लगेगा कि ये जो चमोली में घटना हुई है ये इसकी खास वजह क्या है। लेकिन ये तो तय है कि बड़े बांधों से और हाईवे जो बनाया जा रहा है उससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं हिमालय में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसलिए ग्रेटा थुनबर्ग जो पूरा अभियान चला रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि आप इस तरह का विकास मत कीजिए जिससे प्रदूषण बढ़े, जिससे ज्यादा कार्बन एमिशन हो, जिससे क्लाइमेट चेंज हो, एक तरीके से ये प्रकृति ने एक संदेश दिया है हम भारत के लोगों को कि हमें ग्रेटा थुनबर्ग की बात सुननी चाहिए, और अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें इस तरह के परिणाम भोगने पड़ेंगे जैसा कि हमने चमोली में देखा है। तो हमारी जो अहंकारी सरकार है उसको भी समझ में आना चाहिए कि आप किसी चीज को अपना आंतरिक मामला बता के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का मामला कोई देश ये नहीं कह सकता कि ये किसी दूसरे देश का मामला है, पूरी धरती पे रहने वाले लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। पश्चिमी देश के लोग ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, गरीब देशों के लोग कम जिम्मेदार हैं, गरीब देशों में भी जो अमीर वर्ग है वो ज्यादा जिम्मेदार है, जो ज्यादा प्रदूषण करता है, जो कारों से चलता है, बड़ी फैक्ट्रियों में बने सामानों का इस्तेमाल करता है। और इसी तरीके से आप किसी भी चीज को ले लें तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत में जो किसानों के लिए कानून लाए गए हैं वो
सबको अब ये साफ समझ में आ गया है कि वो किसानों के लिए कानून नहीं है, वो असल में कॉरपोरेट जो सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। अडानी अंबानी जैसे जो कॉरपोरेट जो घराने हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाए गए हैं। और जिस तरह से हमारा अर्थव्यवस्था का हर एक क्षेत्र खोला जा रहा है विदेशी पूंजी निवेश के लिए, देखिए कितनी मजेदार बात है कि आप विदेशी कंपनियों को तो बुलाना चाहते हैं देश में, कोका कोला पेप्सी जैसी कंपनियां भारत का पानी भारत के लोगों को बेच के बड़ा मुनाफा कमा के अपने देश में ले जा रही है, उसको आप देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कहते हैं। जिस जो पानी हमारे किसानों के लिए जरूरी है उनकी फसल को उगाने के लिए उनके पीने के लिए, तो विदेश से पैसा आए विदेशी कंपनियां यहां पैसा कमाए वो देश में हस्तक्षेप नहीं है। और ग्रेटा थुनबर्ग अगर कुछ बोल देती है तो वो हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप हो जाता है। ये देखिए कितनी मजेदार बात है। तो कंपनियां चाहे वो कुछ भी करे देशी विदेशी, और हमारे हमारी सरकार चाहे जो भी करे देश में विदेश में, वो किसी चीज को कोई हस्तक्षेप नहीं माना जाता, लेकिन जब कोई एक्टिविस्ट बोलती है तो उसको हस्तक्षेप माना जाता है। और किसानों का मामला भी कुल मिला के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है पराली जलाने से प्रदूषण होता है, उसको लेके भी सरकार एक कानून सरकार ने कानून बनाया था, उस पर वो जुर्माना लगाना चाहती थी 1 करोड़ तक का। अब देखिए कितनी मजेदार बात है कि कभी आज तक किसी कारखाने पे इतना बड़ा जुर्माना नहीं लगाया गया, कभी यूनियन कार्बाइड में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, स्टरलाइट में तुठुकुड़ी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन उनपे इतना बड़ा जुर्माना नहीं लगा जितना आप किसानों पे लगाने की बात कर रहे थे। वाहन से इतना प्रदूषण होता है लेकिन उस पर इतना बड़ा जुर्माना नहीं लगता, किसान पे आप जरूर लगाना चाहते थे। तो जो हमारी खेती है वो भी उससे भी जो प्रदूषण हो रहा है, और यानी पराली वगैरह जलाने से निश्चित रूप से वो भी एक एक चिंता का विषय होना चाहिए, उसका भी समाधान हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉरपोरेट जगत खेती में आ गया तो ये प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि जो विकास का तरीका है आधुनिक विकास का, इससे प्रदूषण बढ़ता है। एक बार तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि हम अपने कार्बन एमिशन पे तब तक रोक नहीं लगाएंगे जब तक हमारे हमारे पॉल्यूशन के लेवल्स जो है वो अमेरिका और यूरोप के देशों के बराबर ना हो जाए। यानी हमने ये कहा कि पहले हम पॉल्यूशन में अमेरिका और यूरोप की बराबरी करेंगे तब हम अपने कार्बन एमिशन पे रोक लगाएंगे। आप देखिए कितना ये डिस्टॉर्टेड लॉजिक है, इसको हमने आधुनिक विकास माना हुआ है। तो जब बड़ी कंपनियां आएंगी प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे काम करेंगी, कारखाने लगेंगे उनके। तो निश्चित रूप से ग्रेटा थुनबर्ग ने जो आपत्ति की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कानून के आने से प्रदूषण बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि प्रकृति ने ये जो एक संदेश दिया है कि सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तान का किसान आंदोलन वो सिर्फ हिंदुस्तान का आंतरिक मामला नहीं है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई बाहर का व्यक्ति बोल नहीं सकता। और जो किसान किसानी का जो जलवायु परिवर्तन से संबंध है और जलवायु परिवर्तन पे जो आवाज उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग है उनकी उनको जो एक तरीके से अपमानित किया गया, इसके बदले में हमें जो संदेश मिला है चमोली से, इससे हमको ये सबक सीखना चाहिए कि हम इस तरह की बात नहीं कर सकते कि कोई चीज हमारा आंतरिक मामला है। अगर उस बात में सच्चाई है उस बात में दम है तो हमको उसके ऊपर विचार करना ही पड़ेगा। वो बात अगर गलत है तब तो बात दूसरी है, तब तो हम कह सकते हैं कि ये बात ही गलत है, लेकिन
अगर वो बात सही कही जा रही है तो उस बात पे हमको विचार करना चाहिए और उस पे हमको उस मुद्दे पे सही निर्णय लेना चाहिए। तो मैं अपनी बात यही रोकूंगा क्योंकि कुछ समय जो बाकी रह गया, मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जोया रॉय जी हैं, सी वी आर मूर्ति साहब हैं जो प्रोफेसर जी डी अग्रवाल के कलीग थे IIT कानपुर में, और ओंकार सिंह तेजे जी भी आ गए हैं, हमारे कवि महोदय राहुल जी हैं, मानसी जो पर्यावरण के मुद्दे पे काम कर रही है अहमदाबाद में वो भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि और लोग भी अगर इस विषय पे अपनी बात रखना चाहे तो रखें। मैं तो सिर्फ इसलिए थोड़ा इसको लंबा खींच रहा था क्योंकि मुझे एक तरीके से बोला गया था बोलने के लिए, और इधर हमारी सत्याग्रह में कुछ दिन वो चल नहीं पाया क्योंकि वक्ताओं की कमी थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हर एक दिन इस तरह की कुछ सार्थक चर्चा हो। प्रवीण जी ने एक कमेंट डाला है कि चिपको आंदोलन के नेता और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित 87 वर्षीय चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि ऋषि गंगा और धौली गंगा में जो हुआ वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम है। 13 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की गुपचुप स्वीकृति देना इस तरह की आपदाओं के लिए जमीन तैयार करने जैसा है। ये बहुत सही बात है प्रवीण जी ने जो कही, और चंडी प्रसाद भट्ट ने जो कहा है कि आपने ये जो परियोजनाएं जो आपने शुरू की थी, ये आपने इसकी स्वीकृति ठीक ढंग से नहीं ली थी, और जो आपने कंपनियों को खुश करने के लिए चुपचाप ये काम वहां एक तरीके से चोरी से आप कर रहे थे, तो उसका भी एक ये अच्छा जवाब प्रकृति ने दिया है। Temperatures are raising in the Hindu Kush Himalayan region and the rise in global temperature will have more impact in the Himalayan region due to elevation dependent warming. If the world can keep the temperature rise to below 1.5 degree Celsius in the Hindu Kush Himalayan region, it would translate to at least a rise of 1.8 degrees and in some places above 2.2 degrees. ये कहीं से कोट किया है प्रवीण जी ने। तो अब मैं चाहूंगा कि कोई भी बात रखना चाहे, प्रोफेसर सी वी आर मूर्ति, मानसी या कोई भी साथी, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जो है रॉय जी कुछ कहना चाहे, आपका स्वागत है। हाँ मानसी, आप कुछ बोलना चाह रही? गुड इवनिंग सबको। बोलना तो मैं ये चाहूंगी कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पे एक्चुअली बात अब वो बैक सीट पे चली गई है। प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल किया जा रहा है वो फोर कोर्ट पे आ गया है। ये बड़ी विडंबना हो गई है डेमोक्रेसी के लिए। तो अब चर्चा ज्यादा सरकार के नीतियों पे हो रहा है, प्रोटेस्ट हैंडलिंग पे, और हम एक्चुअली फार्मिंग अब ज्यादा बात नहीं हो रही है, इवन नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ सोचने की बात है। एक चीज जो मुझे और लग रही है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम पर्यावरण पे भी बात कर रहे हैं और उत्तराखंड का केस ले रहे हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर कुछ लोग जो जा पा रहे हैं इन सब सिचुएशंस में पहुंच पा रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल दिख रहा है, कि कहीं ना कहीं फार्मिंग से रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज हैं वो भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें जाके उनसे डिस्कस किया जाए और उनसे बातचीत हो सके। मैंने तो कोशिश किया था अभी थोड़ा 10-15 दिन पहले, पर मैं पहुंच ही नहीं पाई वहां तक, तो वापस आ गई दिल्ली से। तो आई थिंक एक पार्ट है फार्मर्स का अपना कंसर्न बिल्स पे, पर दूसरा पार्ट है बिकॉज इतने सारे फार्मर कम्युनिटीज एक जगह है, तो कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंट पे अगर चर्चा होती है उनके साथ ही वहीं बैठ के, तो वो भी मैसेज पूरे इंडिया में जाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, उसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां तक पहुंचे कैसे। तो कहीं ना कहीं पैटर्न ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, पैटर्न ऑफ वाटर यूसेज, इन सब से क्लाइमेट चेंज का अफेक्टेड है। तो फार्मर्स के साथ क्या वो भी डिस्कस हो सकता है, ये मेरा क्यूरियोसिटी है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। और कोई बात रखना चाहेंगे? जो है रॉय जी,
प्रोफेसर सी आर मूर्ति, हाँ बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहती थी, पूछने चाहती हिंदी बोल पाऊंगी ठीक है, मैं बंगाली हूँ तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग मुझे नहीं मालूम। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? हाँ या ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक इन। कैन आई स्पीक? यस यस प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। We are not able to hear you, Joya ji. Maybe your voice is breaking. Yeah. Oh, that's the problem. Connection. Say something. There's only one Sardar who came on YouTube from USA. Can you hear me? Your voice is breaking. Sometimes we can hear you, but at other times it breaks off. Why don't you type your question in the chat or your comment, whatever you are trying to say. हाँ जी नमस्कार सर। हाँ हाँ ओंकार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पहले से, मैं पहले भी गया था 15-20 दिन पहले जी, जी। 2 किलोमीटर और आगे जो किसान है और आगे 2 किलोमीटर और वो एरिया उनका बढ़ गया लंगर का। अच्छा। जहाँ पे ट्राली लगाई हुई है सिंघु बॉर्डर पे। अच्छा अच्छा के बहुत मन खुश था। बहुत सर बहुत लोग लेडीज ट्रैक्टर लेके आ रही है वहाँ पे। मैं वीडियो भी बना के लेके आऊँ क्लिप छोटे छोटे। और वहाँ पे जो सिंघु बॉर्डर के पीछे जो तार लगाई है हाँ। वो लोहे की किल लगाए है जी जी। वो भी हम देखने गए। एक पत्रकार था हमारे साथ तो वहाँ पे इंटरव्यू करने लगे तो वहां से पुलिस फोर्स वाले आ गए मना करने लगे तो पत्रकार ने थोड़ी वीडियो उनकी तरफ घुमा दी तो मतलब उनके ऊपर एक ना कि कोई फोटो ना खींचे और लोगों ने दूसरे घरों के में से और रास्ता बना लिया वहां पे जाने के लिए। दूसरी सीट पे जाने के लिए पूरा रास्ता बन गया। मोटरसाइकिल जाते हैं लोग पैर भी जाते हैं साइड से रास्ता बना लिया। तो वहाँ पे जाके पता लगता है कि बहुत सारे लोग और मतलब पहले से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया वहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा काम बिल्कुल। जय सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और वहां पे मुझे स्टेज में बोलने का भी मौका मिला सर सिंघु बॉर्डर पे। अरे वाह मेन स्टेज पे। हाँ जी हाँ मैं वीडियो डालूंगा। और वहां भी चलो 5-7 मिनट जो मौका मिला मैं बोलते हैं वहां पे स्टेज पे जी, मौका जी। मिल गया था अपना, हाँ जी हाँ अपना वीडियो आप बॉबी कविता भी सुनाई थी कविता भी सुनाई थी कविता भी सुनाइया दो सुनाइया बस सिंघु बॉर्डर वाली कविता अच सुना दे। चलो मैं वो एक तो उन्होंने की जेडे अपने है ना बाहर जिवें लोग जेडे अपने कर रहे हैं अपनी हेल्प कर रहे ने बाहर तो बैठे उन्हां वास्ते लिखिया सी कुछ लाइना ते बड़े उन्होंने जकारे छड़े ओदे ते सारे ने है ना लोग ओ सी ओदे सीगे बोल करा धन्नवाद सारे भैणा वीरां दा बड़ा धन्नवाद जागियां जमीरां दा बैठे परदेसां विच फिकर पंजाब वाला मुल साथों जाना नहीं उतारिया बड़ा धन्नवाद है उन्होंने सारे देशों का जिन्ना हाँ का नारा अज साडे हक विच मारिया जिन्ना हाँ का नारा अज साडे हक विच मारिया। ये सुनाई थी जी उत्थे वीर जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ते एक सुनाई थी जी मेरे उत्थे पत्रकार ने मेरी इंटरव्यू ली तो उन्हें उहदे विच लिंक भी पाया है
ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਰ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜਦੇ ਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆਏ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਰ ਦਿੱਲੀਏ ਆਇਆ ਓਂਕਾਰ ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨੇ ਦਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਤਾਣ ਅੱਜ ਲੜਨੇ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਜਨੋ ਪਾਇਆ ਏਕੇ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਏਕੇ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਲਏ ਨੇ ਜਰ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸਾਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਰ ਦਿੱਲੀਏ ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਰ ਦਿੱਲੀਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ तो आप अपना 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 वीडियो बॉबी और अंकित के साथ शेयर कीजिए तो उसको हम कभी किसी दिन इसमें चलाएंगे ठीक है सर जरूर जी जरूर सर बिल्कुल कर लीजिए आप भी शेयर कर सकते हैं आप भी कोई भी जो भी साथी इसमें भाग ले रहे हैं अगर वो कोई भी वीडियो वगैरह शेयर करना चाहे तो वो कर सकते हैं मेरे ख्याल से प्रवीण जी ने भी कुछ वीडियो निकाले हैं प्रवीण जी आप शेयर करना चाहे तो कीजिए अभी अगर छोटे वीडियो हो तो और जी सर हाँ वीडियो मैं शेयर आज तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन कल कर लीजिए अच्छा कल तो खैर म्यांमार पे है परसों कर लीजिएगा अच्छा हाँ मुझे एक सवाल पूछना था अगर कोई मान लीजिए जाना चाहता है वहाँ प्रोटेस्ट में बैठना चाहता है बाहर से आके अभी प्रोविजन क्या है इतना ज्यादा रुकावट है तो नहीं मुझे लगता है कि ये तो ओंकार जी बताएंगे कि वहाँ पहुँचना कितना आसान है लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी लोग पहुंच ही रहे हैं और सर वहां पे जाने सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंगू बॉर्डर पे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है अपनी गाड़ी भी है वो भी बिल्कुल जहाँ पे लंगर है ना उसके दूसरी तरफ से एक सड़क जो जाती है वहां से जाओ कोई बात नहीं सर सिरे तक पूरी बिल्कुल एंड तक जाती है गाड़ियाँ कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आप तो ओंकार जी पंजाब की तरफ से आए होंगे ना अगर हरियाणा की तरफ से अगर कोई दिल्ली से जाना चाहे तो जा सकता है क्या हाँ सर जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा मैं बंगाल से आना है सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है मैडम इफ यू आर विलिंग टू कम इन दिस एजिटेशन यू प्लीज डू कम आप आइए आपके कंफर्टेबल स्टे का वो हमारी जिम्मेवारी रहेगी नहीं आप का उसकी जहाँ मैं जी वहाँ पहुँचना दिल्ली एक्चुअली मैं गई थी अभी और मैं गाजीपुर पे की साइड जाना चाहती थी पर somehow मैं उतना डिकोड नहीं कर पाई और मैं वापस आ गई हूँ अहमदाबाद बिल्कुल मैं आपको इजीएस्ट वे बताता हूँ जी लाल किले के बिल्कुल पास गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब हाँ हाँ बिल्कुल लाल किले के पास है वहां से सभी बॉर्डर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ओके आइदर यू मे गो टू गाजीपुर आइदर यू मे गो टू सिंगू आइदर टीकरी सब जगह एंड इवन यू विल गेट ईच एंड एवरी फैसिलिटी लाइक फूड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अच्छा ये तो मुझे भी नहीं मालूम था मैंने तो हाँ. वो जो डीटीसी की बस है वो रेलवे स्टेशन से चलती है वो नहीं सर वहां से ना दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक में मैनेजमेंट कमेटी ने ये इनिशिएटिव किया हुआ है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है आज हमारे ये इंडिया ग्रीन्स पार्टी के सुरेश जी भी आज पहुंचे हैं वहां पे तो मैंने भी उनको बोला कि आप वहां पे हैं तो कैसे क्या रूट लिया है क्योंकि एक तो है कि हम सबको अपनी जगह से करना प्रदर्शन करना चाहिए अपनी तरफ से जो जहां है सबको वहां नहीं जाने की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है पर फिर भी अगर लगे कि हाँ हम दिल्ली है किसी काम से तो एक दिन मेरे ना मन में एक ख्याल आ रहा था जी बताइए Since we are not concerned with this matter, मैं ये एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि they are very intellectual people who are agitating over there, जो किसान लीडर्स हैं वो बहुत समझदार हैं उनको एक बात एक मैसेज लगा देना चाहिए क्योंकि since
बीजेपी गवर्नमेंट इज इन फुल स्विंग एंड इन असम एंड बंगाल, क्योंकि बंगाल में और वहां अप्रैल में इलेक्शंस हैं, तो जो किसान भारतीय किसान यूनियन है उसका जो बंगाल यूनिट है, अगर ये यहाँ से स्टेज से घोषणा करते हैं कि भी हम बीजेपी का, क्योंकि यही मेन पार्टी है जो लॉज बना रही है, जो कि हम बंगाल में इनका विरोध करेंगे जहां भी ये इलेक्शन रैली करेंगे, इधर होम मिनिस्टर जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाता है, तो उससे भी इनको थोड़ा दे विल बी इन इन एक वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे भी यार ये तो गलत काम बंगाल में, क्योंकि कोई भी ड्यूरिंग इलेक्शन कोई भी पार्टी अपना विरोध नहीं चाहती। जी जी जी, नहीं सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं गुलजार जी की बंगाल के कोई किसान संगठन यहाँ शामिल है कि नहीं। बड़ी भारतीय किसान यूनियन थोड़ा ममता बनर्जी शी शुड टेक इनिशिएटिव पांडे जी कामयाब हुआ है ना, तो मैं बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूँ कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट का भी बहुत पॉजिटिव रोल है। आज तक एक भी कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, इवन के वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज डीएसपी इन पंजाब पुलिस, उससे मेरी बातचीत चल रही थी, वो कहता है गुलजार हमें ऑर्डर है कि आपने डंडा भी नहीं लेके जाना, खाली हाथ जाना है। जी 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 जी, सही बात। तो बंगाल में ममता बनर्जी को इस चीज को करना चाहिए कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ, आप करो प्रोटेस्ट। जी जी सही बात, नहीं ठीक है। समहाउ स्टेट्स का समझ में नहीं आ रहा है, पांडे जी आप समझ आ रहे हो, सारा कुछ चलता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं सही बात है, और ममता बनर्जी ने वैसे तो सपोर्ट किया ही है किसान आंदोलन का, लेकिन थोड़ा एक्टिवली करेंगी तो शी इज रूलिंग सीएम, कुछ भी कोई भी जो किसी। जी जी पुलिस परेशानी करेगी, आप आओ खुल के इनके खिलाफ। जी जी, और उससे बीजेपी भी एक सेफ मोड में आएगी, यार ये हमारे खिलाफ ये गलत हो रहा है तो अब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये लॉ वापस लेने चाहिए। यहाँ पर बंगाल में अभी स्थिति बहुत डामाडोल है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि ममता पॉलिटिक्स भी इसे। मैडम रॉय आप काफी समझदार हो, आप बंगाल में रहते हो, ये जो बीजेपी पार्टी है ना ये राजनीति नहीं करती, ये व्यापार करती है, ये वो दे परचेज थिंग्स, ये लोगों को लीडरों को ऐसे खरीदते हैं जैसे बाजार में से सामान खरीदा जाता है। सही बात, वो एक माइंडसेट हो गया। मैं कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहता, आई ऑलवेज सेज कि बीजेपी इज अ बिजनेस पार्टी। जी जी सही कह रहे, सही एकदम सही बात कही आपने, वो धारणा हो गई कि लोगों को पैसे से खरीदा जा सकता है। राजनीति का कोई सिद्धांत कोई प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, नहीं राजनीति के भी कुछ असूल होते हैं, ये तो इनका कोई असूल ही नहीं है। जी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मतलब ये वो जिन बातों को ये कहते हैं उनको भी ये ईमानदारी से नहीं मानते, जैसे स्वदेशी की बात है ये, पता क्या है? ये बड़े ये दे आर वेरी मीन, ये ना किसी भी देखो एक देश का प्राइम मिनिस्टर पांडे जी पार्लियामेंट में कह रहा है कि किसान बताए उनको क्या प्रॉब्लम है, यार 15 राउंड ऑफ टॉक हो गई अभी तक तुम्हें पता ही नहीं चला कि किसानों ने बताओ तो दिया और कैसे बताना है उन्होंने। सही कह रहे हैं, उनकी बात को बिल्कुल जीरो लेवल पे ले आते हैं कि भी अभी हमें बताओ यार कब बताना है। जी जी वो बता मेरे ख्याल से, और लैंग्वेज एक पार्लियामेंट के अंदर का लैंग्वेज बहुत खराब हो गया है इन करंट गवर्नमेंट सिस्टम में। बिल्कुल मैडम, आप महसूस करिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज अब्यूज्ड अदर्स, वो लोगों की बेइज्जती करता है दूसरे लोगों की, उसकी लैंग्वेज है ना। चलो मैं भी हो सकता है कि चाहे वो कैसे भी ही इज अवर प्राइम मिनिस्टर, मुझे भी उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे उसमें कोई क्वालिटी है चाहे नहीं है, मगर ही इज अवर नेशंस प्राइम मिनिस्टर, मगर एक प्राइम मिनिस्टर की जो डिग्निटी होती है, जो उसके वर्ड्स होते हैं, जो एक शालीनता होती है, वो मिसिंग है। जी जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं गिव सम इनपुट। हां श्योर श्योर, या लुबना प्लीज। या तो ये मानसी बाल जो बात बताए ना, बहुत ही रेलेवेंट रहा है, और पिछले कुछ दिनों से तो मुझे इसकी एक्चुअली बहुत फिक्र हो रही थी कि ओके इवन इफ द बिल्स आर रिपील्ड,
which I am very sure, I am telling you, they will not be repealed. I am very sure. Yes. But even if they are repealed, the situation of the agriculture sector employed and the agriculture and the food security were not at all comfortable. Yeah. So I feel that at this stage, we have to be, apart from telling that the bills need to be repealed, we have to be ready on the food security front, on the environment front, on the employment in the agriculture sector front, because agriculture is not just about the landholders, but about the major portion of the people who are employed there without owning that particular agricultural land. And the foremost thing is about the Swaminathan committee, which actually put in this, in the name of Green Revolution, put in those crops which rendered all that land very dry, which are highly water consuming. So okay. It all boils down even to change of crop, so change of diet. So these are the numerous things. There's an interplay of itne sare cheezon ko discuss karne ki kitni sakht zarurat hai. In discuss kar sakti thi government, to government nahi kar rahi hai. To jo wahan par wahan ke logon ke, kyunki wo kaafi samajhdar hai, jaise Gulzar ji bata rahe the, to ye logon ke beech mein, इन सभी लोगों के बीच में, जैसे सतपाल सिंह, डॉक्टर सतपाल है, टिकायत जी है और कई लोग हैं, इन सभी के बीच में ये मुद्दे डालना बहुत जरूरी है, ताकि वहां पर ये डिस्कशन शुरू हो जाए ना, सो दैट विल कैस्केड अक्रॉस. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल. एंड सेकेंड अदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर हियर इज, देखिए अभी गुलजार जी भी बता रहे थे कि कैसे दी वेस्ट बंगाल में ये शुरू होना चाहिए. बीकेयू वेस्ट बंगाल की यूनिट के पास से नहीं निकला, वहां पर ऐसा नहीं निकला. सो मेरा ये पॉइंट ये है कि क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंट्रल और कंकरेंट लिस्ट में नहीं था, ये स्टेट लिस्ट में है, जिसको इन्होंने एंक्रोच करके इन्होंने अपना अपना मनमानी सुनाई. तो उस सिलसिले में हम ये इसकी जवाब ऐसे दे सकते हैं कि ये जो महापंचायत पे महापंचायत होते जा रहे हैं, इसकी जो ऑफिशियल रूट क्या है कि हर इलेक्टेड पंचायत जो है, जहां जहां से ऑपोजिशन हो रहा, वो सब ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास करें. They all pass on official, जैसे स्टेट में हुआ, पंजाब में हुआ, कहीं और हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ. तो अभी हम और नीचे के स्तर में, जो कि संविधान के तहत में 74-75 अमेंडमेंट क्या बोल रही है, यही पंचायत की सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही है. तो मोदी सरकार ने जो गलती की है कि इन्होंने नीचे के पंचायत से डिसीजन ऊपर लाना था, बल्कि ऊपर से कुछ डिसीजन लेके वो सब पे थोप रहे हैं, सो जो कि संविधान के बिल्कुल खिलाफ है. तो वो बताते हुए ये पंचायतों ने ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए. ये जो मीटिंग्स हो रहे हैं ना, दे आर मीटिंग्स, दे डोंट हैव एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड एंड दे आर नॉट ऑफिशियल. बट इफ रेजोल्यूशन इज पास, इट इज टोटली ऑफिशियल, इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग एंड अ लीगल स्टैंडिंग. तो ये बात मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जो भी बड़े बड़े लीडर्स जो है, उनसे गुजारिश है कि आप अपने अपने पंचायतों में रेजोल्यूशन पास करें. आपकी महापंचायत से हमको बहुत तसल्ली हो रही है, हमको बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है, लेकिन जो लीगल मैसेज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज, सरकार को जो असली मैसेज जाना चाहिए, वो संविधान तहत इलेक्टेड बॉडी जो पंचायत है, कॉर्पोरेशन है, तो ये लोग सब जब पास करेंगे रेजोल्यूशन, जैसे पंजाब के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है सिटी में, वहां की कॉर्पोरेशन, लोकल पूरी विलेजेस किससे पंचायत के रेजोल्यूशन, यूपी के जहां पे गाजीपुर पे हो रहा, तो ये सभी लोग पास करें ना, तो इसका बहुत बड़ा और ये मूवमेंट और एक ऊपर स्तर पे जाएगा. ये मेरा बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, हिम्मत देता है कि ये भी हो जाए तो, और बिकॉज वी हैव टू इवॉल्व. क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ये सरकार कुछ भी करेगा अपनी चलाने के लिए, और ये जिद नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये उससे, वो तो नादान चीजा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संविधान से गद्दारी चल रही है कि हम संविधान के तहत हम ऊपर आए पार्लियामेंट में, लेकिन आज हम वही संविधान को गिराना चाह रहे हैं और कुछ और वहां पर हिंदू राष्ट्र लाना चाह रहे हैं, जिसकी जिसकी मदद हम कॉर्पोरेट से लेंगे, लेकिन वो आप कायम करेंगे. इसकी हम मदद और एग्जांपल जूई स्टेट से भी ले रही है. ये एक बड़ा पिक्चर है, उस बड़ा पिक्चर के तहत हमको ये पूरी काम नहीं दिखना हम तो भाई. थैंक यू. वो प्लेटफॉर्म आई थिंक यूज तो करना चाहिए, बोथ क्लाइमेट चेंज मूवमेंट के लिए भी, और उसका मतलब रिकॉर्डिंग होना चाहिए, जो पूरा रिटन रिकॉर्ड अब होना चाहिए, जो महापंचायत हो रही है उसका राइट अप पूरा. महापंचायत इज अ मीटिंग,
एक्सक्यूज मी, मुझे इसके इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात करनी थी मैडम. पता क्या, योर पॉइंट इज वेरी इरेलीवेंट, बट द थिंग इज डू यू नो द पंजाब इज अ लोन स्टेट वेयर पंजाब गवर्नमेंट पास्ड लेजिस्लेचर बिल इन विधानसभा अगेंस्ट दीज थ्री ऑर्डिनेंस. यस, व्हाट हैपेंड एज ए रिजल्ट, द होल प्रोसीजर्स वर बाइंडेड अप एंड हैंडेड ओवर टू द गवर्नर ऑफ पंजाब मिस्टर बदनोर. बट द थिंग इज के मोस्ट ऑफ द गवर्नर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द रूलिंग पार्टी एंड दे डोंट हैव द गट्स टू अपोज दीज सेंट्रल गवर्नमेंट्स. सो व्हाट happened ke all the three bill which were passed by the Punjab government, they are still on the table of the governor of Punjab. He had not proceeded further. This is a reality. Agar sarkar ki niyat saaf ho, agar wo ek panchayat ko usko kya evaluate karenge jo ek state ki vidhan sabha ko kuch nahi manne ko taiyar. Record to rakhna padega. गुलजार जी, यही पर मैं आपको एक छोटी रिक्वेस्ट है मेरी. मैं बात क्या बता रही हूँ कि स्टेट लेजिस्लेचर में जब कोई बिल पास होता है तो ये कानूनी है कि गवर्नर ने उसको अप्रूव करना चाहिए, लेकिन संविधान के तहत जो पंचायत खड़ी हुई है अपनी इंडिया में, उसकी रेजोल्यूशंस को अप्रूव करने के लिए गवर्नर की जरूरत नहीं है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द 74th-75th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज गिवन सेल्फ गवर्नेंस at panchayat level and at the municipality level and corporation level. ye hai beauty. to agar panchayat har panchayat pass karti hai usko governor ke approval ki zarurat nahi hai, aur seedha supreme court ko iska lena hi padega aur government bhi ghabra jayengi. this is what I am suggesting, kyunki usko governor ko koi connection nahi. that is the beauty of the 74th and 75th amendment. kindly think over. okay, I was not familiar with this fact and thanks to adding in my knowledge. No, thanks. Let us mutually strengthen the movement, बोल रही हूँ मैं. क्योंकि हमारे भाई लोग वहाँ पर कितना, भाई बहन बच्चे सब कितना वहाँ पर परेशान है, ये पूरी देश की बात है ना, हर देशवासी के थाली की बात है. मैडम इसमें थोड़ी सी फनी चीज पता क्या है, ये वही इंसान समझ सकता है जिसके खुद के कोई बच्चे हो या कोई बीबी हो या कोई भाई बहन हो. नहीं भाई, कैसे हमारे बच्चे वहाँ छोटी छोटी, हमारी बेटियां, हमारी लेडीज वहाँ कैसे, वो वहाँ पंजाबी में कहते हैं वो रूल रहे हैं वहाँ. हाँ गुलजार जी, मेरे कोई बच्चे नहीं है. आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट हैव चिल्ड्रन. नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी. नो, बट पॉइंट, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अवेयर के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग लेडीज एंड स्मॉल किड्स वो वहाँ बेचारे परेशान हो रहे. तो शादीशुदा रहना और बच्चे रहना जरूरी नहीं है, इंसानियत की बुनियाद पे हम समझ सकते हैं. यू आर राइट, वो बोल रही हूँ मैं. आई थिंक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बात है, मैं देख संदीप जी अभी है नहीं, पर मैं जस्ट ये ले लेती हूँ कोऑर्डिनेशन. इम्पोर्टेंट बात ये कि जो मीटिंग्स हो रही है उनका जो रिकॉर्डिंग है उस वो एक ऐसे रिजोल्यूशन में, रिटन टेक्स्ट में आ जाए, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जब जरूरत पड़े उसको प्रेजेंट किया जा सकता है. मेरे ख्याल से वो लोग कर रहे होंगे, मुझे तो अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है. मीटिंग्स हो रहे हैं पर वो मतलब रिटन फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, रिजोल्यूशन जैसा. यस एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. इफ वी कैन कन्वे दैट टू द जो ग्रुप्स है कि क्योंकि उनके पास भी तो है लोग बाग, जो मतलब वहाँ पे लीगल सपोर्ट भी है उनके पास. ओनकर जी बता सकते हैं, ओनकर जी डिकैट को और अपने डॉक्टर सतपाल को बता सकते हैं. गुलजार आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, नहीं ये सुझाव लुबना का बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो इनकी मीटिंग्स हो रही है किसान महापंचायत, ये जो इनकी ट्रेडिशनल खाप पंचायतें हैं ये उसके फ्रेमवर्क में हो रही हैं. तो ये जैसे इसमें ज्यादातर ये कास्ट बेस्ड ग्रुप्स हैं, ये मोस्टली जो है जाट किसान जो है ये इनकी पंचायतें हैं. इस इलाके में गुर्जर लोग भी हैं
और तो ये एक तरीके से जातियों का नेटवर्क है खाप पंचायतों का, जिसके अराउंड ये मोबिलाइज हो रहे हैं, ये इनका ट्रेडिशनल है। लेकिन ये बात अच्छी है कि अगर इसको ग्राम सभा के स्तर पे भी पंचायतों में ये रेजोल्यूशंस पास किए जा सके तो उससे इस आंदोलन को बहुत ताकत मिलेगी, ये बात सही है। वैसे ग्राम सभा भी इन्हीं लोगों का डोमिनेंस होगा मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम सभा भी यही लोग कंट्रोल करते हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट एक्सेस है ना, उनको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, ये समझना जरूरी है। और वो जानते हैं अपनी ताकत। हाँ, और वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके इस कानून को गिरा सकते हैं, ये ट्रिपल ट्रांस को रिपील का है, सुप्रीम कोर्ट से गिरा सकते हैं। नॉट राइट नाउ लुबना, नॉट राइट नाउ, बिकॉज इन द फार्म बिल इट इज नाउ द वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट राइट नाउ अनलेस रिपील। ठीक है, आप उसमें बिल में देखेंगे ना तो फार्मर्स एंड फार्मर कम्युनिटी, मैं पंचायत की बात नहीं कर रही हूँ, बट फार्मर एंड फार्मर कम्युनिटी विल नॉट हैव एनी राइट टू गो टू द कोर्ट विथ द इश्यूज। और उसमें क्लियर नहीं लिखा है दैट इट इज द इश्यूज रिलेटेड टू देयर डीलिंग विथ अदर सेक्टर्स, बट दे विल नॉट बी अलाउड टू प्ली इन द कोर्ट। That is one of the most contentious part, I think, from the farmers bill. So I don't think that part of this that is pertaining to the issues in the bill. Within the bill, jo issues hai na, usko wo district magistrate ke wo issues hai. But this is not about the issues within the bill. It is about the procedure adopted to bring the bill in okay. in the country. So this is entirely different from the okay. items. Okay, probably understanding ha. So I think so. This step must be taken. See, we have to reclaim democracy in India. It is not just about the issue is far bigger. Yes, I agree. It is not about the farm bill and repealing anymore. It is about how people's voices are getting suppressed. That is more important. Getting undemocratic each day, each step. And it is also not just that, the post-truth. You have to see keep seeing the tears of the Prime Minister. And you have to keep hearing to the barbs of the Prime Minister in a parliament where you have to discuss issues. Where are we heading to? And why are we tolerating such a man? And the opposition is still to rally as to who is to talk to raise a slogan that PM quit. I'm appalled. That's surprising. Huh? That's surprising. I'll tell you only one reason for that before I just mute myself. The biggest thing that hurts me is रेड फोर्ट पे जो वहां पर जो हुआ और उसको बोल रहे कि एवरीबडी इज नाउ नोइंग दैट इट वाज अलाउड टू गो इनसाइड एंड द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट एंड ही इज बॉदर्ड अबाउट द आंदोलन जीवी व्हाट अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेड फोर्ट व्हाई डजंट हैपन टिल नाउ व्हाई द रिजल्ट्स हैवंट कम टिल नाउ वी आर इन अ ग्रेट पेरिल ही इज लाइंग ईच डे एंड वी आर नॉट एबल टू आस्क हिम टू क्विट Opposition is not asking anything. Anyway, we'll have to. This important issue that raised by Lubna today, I think, deserves more attention. So, Lubna, why don't you tomorrow we have a discussion on Myanmar. Day after tomorrow, can you make a presentation on this? That how. Gram Sabhas can play a role in intervening in this situation. Huh? Because you are muted. Unmute yourself. I'll prepare 2-3 slides so that because my intention is that apne Onkar ji, Gulzar ji, they can pass it on to them. Wo log agar isko samajh jaye na, kyunki wo kafi samajhdar aur kafi niyat unki achhi hai, to wo log agar isko jaldi take up kare na, to it will be good for the country. लेकिन लुबना मैं आपको ये बता दूं कि पंचायतों का रोल भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे हम लोग जब कोका कोला के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो पेरीमुटी ग्राम पंचायत केरल में दे वर एबल टू पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द कोका कोला प्लांट इन देयर पंचायत, बट वेन वी ट्राई टू डू सिमिलर थिंग इन उत्तर प्रदेश देन माई रेवेन्यू मिनिस्टर हु वॉज अ गुड फ्रेंड इन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट Mr. Ambika Chaudhary, he said that the Uttar Pradesh panchayats are not authorized to take a sovereign decision.
Ultimately, it is the state government which will decide whether the Coca-Cola plant will run or not. So it appears as if the panchayats are also empowered to different extent in different estates. So can you look into this issue and enlighten us on this aspect? This has to be looked into because this comes straight from the constitution. So how is it that the state is doing something, intervening in between and curtailing the powers? क्योंकि स्वराज की तरफ जाने की चीज थी इसीलिए आया था वो अमेंडमेंट दैट इज ट्रू बट काइंडली लुक इनटू दिस एंड इफ यू कैन गिव सम एग्जांपल्स वेयर पंचायत्स हैव लाइक वन एग्जांपल दैट वी नो ऑफ इज द पेरिमुटी ग्राम पंचायत बट इफ देयर आर अदर एग्जांपल्स वेयर द पंचायत डिसीजन हैज यू नो रेन्ड सुप्रीम And the state government was forced to accept the panchayat decision. There are few examples: Minda Lekha in Maharashtra and Hibre Bazar. So if you can dig out these examples and then let us explore this possibility whether panchayats can intervene in this situation. And one last thing is that I think really feel and I even when I was contesting for ward member, I understood that the municipalities, municipal corporations and panchayats are not using their powers to the extent desired. They are going by their party line. That is the sad part. Okay. ठीक है. So I think we have gone over the time. By almost half an hour, so I think we should now close. Unless somebody has any more comments to make. Joya ji, we were not able to hear what you said. Can you make an attempt again? Yeah. Okay. Boliye. Am I unmuted? Your voice is breaking. We can hear you, but your voice is breaking. I want your panel to discuss the panel that you have to discuss. What is the future scenario? You know, the worst case scenario that you find emerging, because one young Sardar did a video. He's a doctor from US saying, "Please help. Now do something, you people," because he's a US citizen, I think. He's a Sikh. He said they're doing all this for three men, the three richest men in India now. This entire sajish is to benefit these three men. But my feeling is, pehle to ye log aa jayenge. Adani to abhi railway line bana raha hai Haryana mein aur wahan. You know, silos bhi ban gaye. So MSP बिना तो कहाँ लग दी है कि अगर ले लेंगे प्रोड्यूस और फिर रेलवे लाइन से लेके कोई राशन शॉप में नहीं जाएगा मंडी में नहीं जाएगा वो सीधा जाएगा पॉट को वो पॉट भी बना रहे हैं अपने इसके लिए पर अंत में पीपल लाइक अंबानी वो तो सेल आउट कर देंगे कारगिल को मॉन्सेंटो को पेप्सी को और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ये जो फ्यूचर सिनारियो क्या हो सकता है ये प्लीज डिस्कस कीजिए नहीं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है अरे गुलजार जी जरा अपना माइक ऑफ कर लीजिए गुलजार भाई हाँ तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये अगर कानून लागू होंगे तो फ्यूचर सिनारियो क्या होगा ये बड़ी एक भयावह कल्पना है तो इसके बारे में भी हमको लगता है किसी दिन अलग से बात करनी चाहिए तो ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज शामिल हुई जोया जी वी होप दैट यू विल कंटिन्यू टू यू नो ज्वाइन दीज सेशंस टुमारो वी हैव अ डिस्कशन ऑन म्यांमार एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल बी बैक ऑन द फार्मर्स मूवमेंट इशू एंड लुबना विल मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन What is the role of Gram Panchayats? And if what you are saying, if you can do some more reading and enlighten us on this topic. Are you recording? Yes, are you recording? Yes. Yeah, this is being recorded.
After I cannot attend. I'm on a train. I'm going to Bihar. Oh, acha. No, but no problem. This is taking place every day. So if not day after tomorrow, then after that, yeah. जो ग्राम पंचायत बारे में डुबना जी बोलेंगे ये क्या बाद में recording सुन पाएंगे? हाँ. Every session is being recorded by Bobby and Ankit, and they will share the recording with me. Yeah. आप 12th को बोलिए. ठीक है बॉबी एंड अंकित. सो लुबना इज शेड्यूल टू स्पीक ऑन द रोल ऑफ ग्राम सभास ऑन 12th. ओके एंड so we can close now and Bobby, you remember Professor Anand Kumar wanted Dr. Rajaram Tripathi's presentation to be recorded, just his presentation on the laws. So kindly organize that. If you if you want me to talk to him, I will talk to him and set up a date so that on that particular day, you know, he can for 1 hour he can just elaborate on the laws. Lubna, what are you trying to say? One small request, which I told the other day also, Tripathi ji ka jo ye points hai, aur na hum ek chota pamphlet chahte, kyunki na abhi jo galiyon mein bhi hai, hamare gharon ke paas, nobody is participating in all these, you know. It is like business as usual. To in logon ko enlighten karne, gali mein enlighten karne ke liye, parchon ki baat ho rahi thi. Parchon ki baat mein ki existing situation kya hai, aur ye three in-laws ke wajah se situation kya ho sakta hai, ये बुलेट पॉइंट्स में एक इंग्लिश में आ गए, तो हर उर्दू में गुजरा हर लैंग्वेज में हम करना चाह रहे हैं. तो फॉर दिस यू नो शैल वी डू इट आफ्टर त्रिपाठी जीस प्रेजेंटेशन एंड वी वांट बॉबीज एंड सुरभिज हेल्प इन टेलिंग आई मीन इन कार्विंग आउट दिस बुलेट पॉइंट्स एंड दैट पैम्फलेट. वी हैव प्रिपेयर्ड वन पैम्फलेट इन हिंदी. आई विल शेयर इट विद यू इफ यू दैट इज व्हाट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन आवर एरिया. So that contains the pros and cons of the bills and the, is it like No, in just simple language it describes how these bills are harmful. That's all. जो त्रिपाठी जी से बोल रहे ना, अभी APMC है लेकिन अभी प्राइवेट में भी जा रहा है, पब्लिक में जा रहा, लेकिन APMC नहीं रहेगा तो एग्जिस्टिंग बिहार में ऐसा है तो ऐसा होने वाला है. एंड प्राइवेट अगर आ जाएंगे तो हर इंसान को शायद 100 रुपए चावल हो जाएगा एंड इथेनॉल में जा सकता है प्रोडक्शन. सो ये सब चीज ना, सब बुलेट टू टैबुलर में अगर हो जाए ना, तो पहले की स्थिति, अब की स्थिति, बाद की स्थिति, ऐसा कुछ डिस्कस करके वी मस्ट क्विकली कम आउट विद अ पैम्फलेट दैट कैन जस्ट गो वायरल एंड इन ऑल मल्टी लैंग्वेजेस. नहीं वैसा तो नहीं है, बट आई एम श्योर सम पीपल वुड हैव बीन वर्किंग ऑन दैट. या प्लीज जरा बॉबी और सुरभि. सो अरुण अंकित अंकित हां So Arundhati is saying that All India Kisan Sangharsh Samiti has produced some literature. We should look at. ना वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके शेयर कर दिए तो हम यहाँ पर दूसरे तेलुगु उर्दू सब में कराएंगे हम. ठीक है तमिल मलयालम सब कर सकते हैं. Okay. Also talk to Kiran if he has prepared anything. Kiran Kumar Visa. Okay, so he must have that parcha which Arundhati is telling. Yeah. He is likely to have that. Okay, I will ask him. I'll definitely ask him also. Yeah. Okay. ठीक है Bobby, Ankit, we can close unless somebody has anything important to say. Okay.